मात्र 5 मिनट में घर के इंग्रेडिएंट से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आज हम बनाएंगे। इस तरह का हेल्दी नाश्ता घर में बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आएगा और ये इंस्टेंट भी बनता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, पैन में चावल डालेंगे। यहाँ मैंने बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल किया है, आप घर में जो चावल आपके हो उससे ही बना सकते हैं, लेकिन बॉइल्ड राइस से बनाने से ये ज़्यादा और अच्छा बनता है। पैन में चावल डालकर हाई फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए चावल को भून लेंगे। चावल को हमें इस तरह चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक चावल का शेप चेंज नहीं हो जाता और चावल अपने साइज में डबल नहीं हो जाता। तब तक हम इसे इस तरह मिलाते हुए हाई फ्लेम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चावल को भूनते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गया है और चावल धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है और इसका शेप भी चेंज हो रहा है। हमें इसे इसी तरह लगातार भूनते रहना है हाई फ्लेम पे। चावल भूनते समय गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे चावल को इस तरह भूनने से चावल हमारे बिल्कुल ही क्रंची और खाने में हल्का और लाइट होता है। ये देखिए चावल हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल को पैन में ही ठंडा होने देंगे। चावल ठंडा हो गया है और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या निकाल लेंगे। इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा उजला नमक डालेंगे और इसमें मिक्सचर या मसाला नमकीन डालेंगे, 1/2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद का आलू, चना या बॉयल मटर, आपको जो पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये इतने ही इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। और ये लीजिए हमारा हेल्दी और टेस्टी शाम का नाश्ता इंस्टेंट बनके तैयार हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब